मैं बड़ा परेशान है यार, इतने ना बहुत परेशान हूं। खैर खैर का बड़ा सख्त मोड था। ओए होए होए, एक दफा मेरा दिल जो है ना बाहर आ गया था। ओए होए, चले भाई फाइनली ये वाला पेयर मुझे पसंद आ गया है, ये शर्ट और इसके साथ ये वाली पैंट। और आप टोपी पसंद आ रही है मुझे, टोपी कैसी लग रही है? तो अभी भाई यहाँ रेस्टोरेंट पे आए हैं और हमने ऑर्डर किया है बर्गर, हॉट विंग्स और इधर पास्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं कि गाड़ी हमने भगाई हुई है और आज हम जा रहे हैं झंग सिटी। भाई काफ़ी दिनों से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो पेंडिंग पड़ा था। मैंने पहले लर्निंग बनवाया था लेकिन उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं दिया और मेरा लर्निंग जो है वो एक्सपायर हो गया था। अब फिर से जो है ना अपना लर्निंग लाइसेंस जो है ना रीन्यू करवाना है और उसके बाद फिर 40 दिन का टाइम पीरियड होता है वो पूरा करके इंशाल्लाह उसके बाद टेस्ट देना है और अपना फिर पक्के वाला जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। बड़े गंदे होंगे यार ड्राइवर की तो बड़े गंदे होंगे। नहीं देख ऐसे भी है और गंदे ये भी बहुत है ना। उसने नहीं हटाई गाड़ी, रोड के दरमियान में से रखी है और नहीं हटाई। भाई तू अपने से की तो हटा ले, छोटा सा रोड है। नहीं छोड़ दे भाई, नहीं छोड़ दे, वो देखते हैं वो हटाएगा। हम नहीं, सोचते हैं वो हटाएगा। नहीं हटाई, लगती है तो लगने दो, बस सर फिरे हैं बस यार हद है। चलो अपने से की तो हटा ले भाई, यहाँ आपको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो नीचे उतर जाओ, किसी के साथ जिद ना लगाओ, कोई ट्रैफिक के कानून नहीं। मैं बड़ा परेशान है यार इतने ना, बहुत परेशान हूं। परेशान तो हर कोई है भाई, बहुत हालात खराब हो रहे हैं। हम व्लॉग कम बनाते हैं ना, हाँ पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बनाते। हम सारा दिन परेशान रहते हैं, परेशान रह रह कर दिमाग की तवाज़ुन हमारा खराब हो गया कि क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा यार हमारा तो कुछ नहीं बनेगा। हम ये चाह रहे हैं कि यार हमारे ना हमने भी ऐसे ही गुजार दी है, अगले ऐसे ना गुजारे। हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे गुजारेंगे, जहाँ तक मुझे शक पड़ता है। अल्लाह माफ करेगा, बाकी फलस्तीन के हालात देखें। वो तो नहीं है ना, अब हम कहते हैं कि जी हम मुसलमान वाले खाते तो हमारे रह ही नहीं है ना, फलस्तीन में ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही होना है। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, सच में बंदे का दिल दहल जाता है वो वीडियो देख के। इतने मासूम बच्चे, मासूम बच्चे मतलब 3-4 महीने का बच्चा होगा वो। ओए होए होए, वो कैसे बिलक बिलक के रो रहा था, जख्मी नहीं, था। तो अब वो कौन से गुनाहों की सजा भुगतता है पता नहीं भाई, उसने बच्चे ने क्या गुनाह किए हुए। बस अल्लाह माफ करे, बाकी सारे चुप बैठे हैं और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जितना चुप रहे तो फिर नेक्स्ट भाई हमारी बारी है, पक्की बारी है। ये वही वाली बात है कि ना वो नंबरदार और गवाड़ियां ना आपको जानता है, शाम तक कुछ नहीं आता भी है ना। हाँ वो फिर जब उसकी बारी आई तो फिर उसको भी उन्होंने पकड़ के मरोड़ लिया। ये ऐसे ही चले भाई, हम तो आज बनवा रहे हैं फिर ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग। बड़ा सख्त मोड़ था। ओए होए होए, एक दफा मेरा दिल जो है ना बाहर आ गया था। ओए होए, ख्याल से भाई ख्याल से। ये सिंगल रोड है भाई और मोड भी बड़ा सख्त आ गया, मोड है ना वो है भी बड़ा सख्त। ओए होए होए, बच गए यार, बच गए बच गए। इधर किरण भी साथ बैठी है, चुप चुप बैठी हो, खैर है बच गई, बच गई हो, दिल तो बाहर नहीं आ गया। नहीं मुझे लग रहा था मैं इधर से ऐसे बाहर चले जाती। सीट बेल्ट ला के मैं, तेन वैसे भी बड़ी जरूरत होती है, ऐवें खिसक खुसक जाएंगी। तो भाई अभी 3 बज चुके हैं और झंग सिटी हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम वही जो खिदमत सेंटर होता है, ऐसा ही होता है ना, जहां लाइसेंस वगैरह बनते हैं वहां पे जाते हैं, वहां से अपना लाइसेंस लेते हैं, मतलब लर्निंग। दोबारा से ना 1 महीने का होता है। चलें अब तो मैंने सीख भी काफ़ी लिया है। तो भाई अभी पुलिस खिदमत सेंटर पहुंचे थे, मैंने तो जो इन्फॉर्मेशन सुनी हुई थी ना कि भाई ऑफिस जो है ना 24 घंटे खुला होता है और हफ्ते के 7 दिन खुला होता है, और मैं फिर आज गलती से आ गया ये इन्फॉर्मेशन सुन के। इस इन्फॉर्मेशन की तो वो क्या कहते हैं, चर्चे थे भाई, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन जो है ना ऑफिस खुला होगा, आप किसी भी टाइम जाके अपना लाइसेंस जो है ना वो बनवा सकते हैं। मैंने कहा भाई आज एतवार है तो चलो इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं। फिर फायदा हुआ को, अब तो धक्का पड़ गया मुझे, ऑफिस भाई बंद पड़ा है, कोई बंदा ही नहीं नजर आ रहा। और भाई अभी यहाँ आए हैं शॉपिंग सेंटर पे, आपने शर्ट देखनी है? हाँ
ये अच्छी लग रही है, और लेके क्या करना है यार, ये बड़ी पुरानी हो गई है, उन्हें गाली देने लग गई। सारे ना गालियां देन देन मेनू, हिका शर्ट है, हिका शर्ट पा के तू बदर रहा है, मैं दस की करा। बड़ा मजबूर है, लेनी चाहिए, बड़ा मजबूर, मजबूरी के नाते से हां लेनी पड़ेगी, बड़ा मजबूर। ये तो हुडीज है, हुडी लेनी है, ले हां कितना ठड्डी लाके जैसा है ना यार, फैब्रिक बड़ा क्लास, बहुत ले ले कुछ एवं ही ले लो, पैसे खर्च होंगे। कौन सी, ये वाले, ये तो जर्सियाँ हैं, आज मुझे ले के दो फिर अपनी मर्जी से, अपने पैसों से, पैसे हैं ना बहुत, चलो फिर अपने पैसों से आज मुझे ले के दो फिर। किस लोगो शर्ट ले के दे रही हूँ, निकालो ये, नहीं ये नहीं, मजाक उड़ा रही है, अच्छी सी कोई देखो ना, ये कलर भी अच्छा लगेगा, ये ब्लू कलर कैसा लगेगा, देख लो भाई अपनी मर्जी से लेके देनी है, कौन सा निकालो इसको, ये अच्छी लगेगी ब्राउन, पक्का ये ना ब्लैक के साथ अच्छी लगेगी, चलो ट्राई करते हैं। ये शर्टें भी बड़ी अच्छी है वैसे, ये लोगो काफी बड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये शर्ट काफी अच्छी है, वेयर में ना बजट है, कोई ऑफिस स्पॉन शर्ट नहीं है, कैजुअल वेयर इज अच्छी तरह चलती है, नहीं लगता जी मैं स्कूल तो है, ये बात तो है, लेकिन सिंपल वाली को देख लेना जिसके ऊपर लोगो शो को ना बना हुआ। चले भाई किरण ने ये वाली शर्ट मेरे लिए पसंद की है, मैं ट्राई करता हूँ पूरी आती है या नहीं आती, साइज क्या है इसका, ये आपका साइज है लार्ज, लार्ज जीन्स पे बहुत बड़ी प्यारी लग रही है, जीन्स पे बहुत अच्छी लग रही है, शीशा की तरह है, है तो फिट है, जीन्स के साथ ज़्यादा प्यारी लगेगी, ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए पहनी है कि साइज़ ठीक है या नहीं, तो कलर तो माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन जीन्स के साथ ये सूट करेगी, बाकी मैं ज़्यादातर जीन्स ही पहनता हूँ, स्किन कलर ये ब्लैक, तो भाई शर्ट तो हमने पसंद कर ली है, अब इसके साथ हमें पैंट भी लेनी है, मशवरे मिल रहे हैं कि ब्लैक लो, इसके साथ ना ब्लैक सूट करेगी या फिर ये वाला कलर सूट करेगा, इस तरह का सूट, ये कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा, कैमल कलर है मेरे ख्याल में, बहुत सूट करे, चले और भी देख लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा गहरा कलर मिल जाए तो, ये कलर ये भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इससे कम वाला नहीं, ये तो स्कूल के यूनिफॉर्म वाला लग रहा है, सर मेरी बात सुनिए, ये मैं बड़े वसूफ से कह रहा हूँ, ये ले आपका पेयर ना मज़े का लगेगा, पहला अच्छा डिफरेंट हो जाएगा, पहले ठीक है अच्छा लगेगा, पहले ट्राई कर लेता हूँ, 32 वेस्ट है ना आपकी, 32 ये मुख्तलिफ होती है ना, मुख्तलिफ पैंट्स में मुख्तलिफ साइज़ होता है, अभी आप नहीं, मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करेंगे, हाँ ट्राई करेंगे, तो भाई दोनों चीज़ें मैंने चेंज कर रही हैं, कॉम्बिनेशन और कलर इसमें, ये इधर है कलर इसमें, मेरा कोई नहीं लग रही है, ये नहीं आगे ना प्लेन में ग्रीन लगा हुआ, वो भी कलर अच्छा है, ये वाला ये आपके राइट हैंड वाला, शुक्र है सुनाओ ठीक हो, जबरदस्त और क्या चलेगा, क्या आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नो मिल जा रहा है, बहुत अच्छी प्लीज, ये देख लो इनमें से कोई वही लेना यार, ये मुझे पसंद आ रही है, वो भी ले ली, हाँ नहीं ये एक बताओ, मुझे वो वाली अच्छी लग रही है, मैं ये पहन के आता हूँ उसके बाद, तो पहना तो ये भी एक कलर चेंज करके देखा है, ये भी नहीं लग रहा, फिर वो ही ले लेते हैं, हाँ उस वो पहले वाला, फिर नो डाउट ब्राउन आपको बहुत अच्छा लगा था, ये वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये फिर इसको भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे नहीं, वो वाला इससे तो अच्छा लग रहा था, हाँ फिर वो ही कर लेते हैं, एक ये भी कलर है, ये वैसे ये भी अच्छा कलर है, ये हाँ इसको ट्राई कर दो, ये नहीं इसको आपको ना आपका भला करे, इसमें आपको पूरी है तो अपना हिसाब दे,
थोड़ी ज्यादा फिट खुली खुली है ना थोड़ा बंदा। तो चले भाई फाइनली ये वाला पेयर मुझे पसंद आ गया, ये शर्ट और इसके साथ ये वाली पैंट। तो अब लॉक करें डील ये वाली। हाँ ये सही। चले ये लाल वाले डंगी है। जी जी ये भाई। अच्छा भाई साहब ने ये लाल वाले भाई हुडी ली है फिलहाल। तो मैं यार बर्फ में जाना है, हो सकता है ठंड लगे उसको। कब का प्लान है बर्फ में जाने का? बस मूड बनाया खड़ा। चले सानू भी दसिया है। और भाई अभी ये मैंने यहाँ पे बेल्ट देखी है तो मुझे याद आ गया कि मुझे ना एक अदद बेल्ट की भी ज़रूरत है। जीन्स के लिए बेल्ट, जीन्स के लिए लेना है। जीन्स के लिए चाहिए? जीन्स के लिए। जीन्स के लिए फिर ये चीज़ लें आप, ये चीज़ अच्छी है सर। ये वाली ये वैसे दोनों के साथ चल जाते हैं, जीन्स के साथ भी चल जाएगा, स्पेशली जीन्स के साथ। ये सिर्फ जीन्स में चलेगी, ये दोनों के साथ चलेगी। नहीं उसके साथ तो ये भी पहन सकते हैं, चल जाएगा ना। ये ओनली जीन्स के लिए है, ये जीन्स ड्रेस दोनों के लिए। इसमें दूसरा कलर नहीं है? इसमें सर सेकंड कलर इसमें। ये कैसा है? ये दोनों के साथ चल जाएगा। ये दोनों के साथ चलेगा, इसी का कलर है ना सर ये। चलें यही, ये सही रहता है जी। पहले सॉफ्ट होता है ना फिर मसला बनता है। ये कर दें। चल ये लगा के देख लें, कह लीजिए जरा। ये छोटा करना पड़ेगा, ये साइज अभी कर देता हूं। साइज इसका फिट करना है अभी कर देता हूं। इतना ज्यादा भी मसला नहीं है लोगों का। शर्ट अच्छी है, प्यारी है, बहुत प्यारी चीज है। वैसे हमारा प्लान नहीं था शॉपिंग करने का, दुकान पे आए हैं, थोड़ा टाइम बच गया है क्योंकि हम वो लाइसेंस बनवाने गए थे तो वो बना नहीं। एवं गुस्से हैं इसमें तो इतनी ज्यादा शॉपिंग हो। हाँ जी हाँ जी, ये भी देख लें। ये दो पैंट्स बाय द सावर की, इधर एक हुडी, इधर मैंने एक बेल्ट, एक शर्ट और एक पैंट ली। और आप टोपी पसंद आ रही है मुझे, टोपी कैसी लग रही है? भाई तो आने आना तो वीर आप होने जाना। कुर्ता पजामा के साथ ना बहुत ही प्यारी लग रही है। ये सही है, वो कौन सी? फिर दूसरे वाला ले लें, दूसरा ले लें। चले भाई ये भी डन होगी। एक शर्ट लेने आए थे हम लोग, आगे से आगे चीजें पसंद आती गई और हम खरीदते गए। किरण रह गई, शॉपिंग कर ली ऑलरेडी तुमने। आज हमारी बारी थी। मेरा इतना टाइम नहीं लगता, इतनी देर में पूरी दुकान पसंद कर लेनी थी मैंने, एक एक चीज पसंद करने में इतना टाइम लगा। पूरी दुकान पसंद करनी थी ना। हमने इस पूरी दुकान में से थोड़ी सी चीजें पसंद की। तो अभी भाई यहाँ रेस्टोरेंट पे आए हैं और हमने ऑर्डर किया है बर्गर, हॉट विंग्स और इधर पास्ता। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी सच में। हम तकरीबन यहाँ 4:20 पे आए थे और अभी टाइम 5:08 हो गया है, 40-45 इन्होंने हमारा ज़ाया किया यहाँ पे। हालांकि 10-15 को उसने हमें बोला था और उसके बाद फिर हालत देखे और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, सुबह नाश्ता किया था और अब खा रहे हैं। भाई अभी खाना खा के बाहर निकले हैं तो बाहर शाम हो गई है, टाइम का पता ही नहीं चला। देख ले सर्दियों के दिन बहुत छोटे हो जाते हैं भाई। अभी हमें एक छोटा सा काम और है, वो काम इंशाल्लाह करके उसके बाद फिर हम घर वापस निकलेंगे। आज सही सर्दियों वाली फील आ रही है मुझे, ऐसे ही मौसम होता है सर्दियों में। तो भाई अभी रात बज गई है, रात बज गई, काफ़ी टाइम हो गया है और दो काम हम आए थे। एक मैंने आपको बता दिया कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो बनवाना था, वो भी नहीं बना। एक काम और था, वो हमारा थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हम जा रहे हैं अब धक्का खा के, वही शॉपिंग नसीब हुई है जो हम सोच के नहीं आए थे लेकिन वो हमने कर लिया। इसका तो मूड भी नहीं था, मूड भी नहीं था वो तो हम कुदरती इस दुकान के आगे से गुजरे हैं तो हमने कहा चल देख लेते हैं। देखने के चक्कर में भाई साहब हमारा लग गया 13,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 इधर और 8,500 इधर।